Hello guys, welcome to this brand new video on Saheli channel with me Somya on Life Made Easy. जैसे कि मैं बोल रही हूँ, हमें पता भी नहीं होता है कि हमारे पास कितनी ज़्यादा एक पावरफुल चीज़ है जो कि वॉइस, और हम उसको यूज़ करके क्या क्या नहीं कर सकते. और तो आज हम बात करने जा रहे हैं वॉइस मॉड्यूलेशन पे, वॉइस को कैसे मॉड्यूलेट करना है ताकि हमारा जो तरीका है बोलने का वो अच्छे से किसी को रिप्रेजेंट हो, और जो हम बोलते हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से उसका मैसेज कन्वे हो और वो सुनने में भी काफ़ी अच्छा लगे. तो चलिए बात करते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन के बारे में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो वॉइस मॉड्यूलेशन होता क्या है? वॉइस मॉड्यूलेशन इज़ एन आर्ट दैट ब्यूटिफाइज द वे ऑफ स्पीकिंग. एक तरह का ये आर्ट है जिसको यूज़ करके हम अपने वे ऑफ स्पीकिंग का तरीके को, मतलब बोलने के तरीके को, हम उसे वो निखार सकते हैं, जो भी हम बोलते हैं उसे अच्छे से कन्वे कर सकते हैं और वो सुनने में कितना अच्छा लगता है. तो चलिए बात करते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जिससे आप अपने वॉइस को अच्छी तरह से मॉड्यूलेट कर सकते हैं. तो सबसे पहले आता है पिच, वॉल्यूम, एंड देन टोन एंड पॉजेस. हम आज इस वीडियो में चार चीज़ों के बारे में बात करेंगे, पिच, वॉल्यूम, टोन एंड पॉजेस. तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लूँगी और उसी एग्जाम्पल को यूज़ करके मैं डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि पिच, वॉल्यूम, टोन और पॉजेस को यूज़ करके मैं उसे एग्जाम्पल को बताऊँगी. तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है, मैं बहुत बोर हो रही हूँ. तो पिच होता क्या है? पिच में तीन तरह के पिचेस होते हैं, लो पिच, मीडियम पिच, हाई पिच. तो मुझे अगर हाई पिच से बोलना है, मैं बहुत बोर हो रही हूँ, तो मैं कैसे बोलूँगी? मैं बहुत बोर हो रही हूँ, ये हो गया हाई पिच. मैं बहुत बोर हो रही हूँ, मेरा वॉल्यूम इतना ही रहेगा पर मेरा पिच हाई हो गया है. अब मीडियम पिच की बात करेंगे, जिस तरह से मैं बोल रही हूँ, मैं बहुत बोर हो रही हूँ, ये हो गया मीडियम पिच. मीडियम पिच मतलब जिस तरह से आप बात करते हैं, किसी किसी का पिच जो है का हमेशा हाई रहता है, किसी किसी का हमेशा लो रहता है, स्पेशली गाइस का जो हमेशा मतलब डीप वॉइस में लो पिच में बोलते हैं. तो अभी मैं एग्जांपल दूंगी लो पिच का. तो लो पिच का ऐसा होगा, मैं बहुत बोर हो रही हूँ. मैंने अपने वॉइस को बहुत काफ़ी डीप ले गई और वहाँ से मैंने ये वॉइस निकाला, तो ये हो गया लो पिच. तो मैंने आपको तीन पिचेस बताए, हाई पिच, मीडियम पिच, लो पिच. तो अब बात करते हैं वॉल्यूम की. वॉल्यूम क्या होता है? ऑफ कोर्स रेजिंग ऑफ वॉल्यूम, अगर हमें हाई वॉल्यूम में बोलना है तो हम कैसे बोलेंगे? मैं बहुत बोर हो रही हूँ, मेरा वॉल्यूम हाई हो गया है, मेरा पिच हाई नहीं हुआ है. अगर मेरा पिच हाई होता तो ऐसा बोलती, मैं बहुत बोर हो रही हूँ, ये मेरा हाई पिच है और हाई वॉल्यूम है. पर मेरे को सिर्फ बोलना है कि मेरे को सिर्फ वॉल्यूम अपना हाई करना है, तो मैं क्या बोलूँगी? मैं बहुत बोर हो रही हूँ, दिस इज़ हाई वॉल्यूम. अब मैं मीडियम वॉल्यूम में बोलूँगी, मैं बहुत बोर हो रही हूँ, ये मैंने मीडियम पिच में बोला है और मीडियम वॉल्यूम में बोला है. अब मैं बोलूँगी लो वॉल्यूम में, मेरा पिच मीडियम ही रहेगा लेकिन वॉल्यूम जो है वो लो हो जाएगा. मैं बहुत बोर हो रही हूँ, दिस इज़ लो वॉल्यूम. मैं जनरली जिस वॉल्यूम में बोलती हूँ उस वॉल्यूम में नहीं बोला, उसका मैंने लो कर दिया. अब बात करेंगे टोन के बारे में. टोन बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि टोन से ही पूरा मज़ा आ सकता है और जा भी सकता है. तो उससे हमें बहुत ज़्यादा पता चल जाता है कि क्या कहने जा रहा है वो इंसान, सामने वाला इंसान क्या कहने जा रहा है, क्या बोल रहा है. टोन से बहुत ज़्यादा हमें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाता है. तो टोन क्या होता है? टोन बेसिकली हमें चेंज करना होता है. हर एक वर्ड का जो टोन है वो डिपेंड करता है कि हमें कौन सा वर्ड पे हमें इंटोनेट करना है, ताकि हमें वो अपना जो मैसेज है वो अच्छी तरह से कन्वे हो. तो जैसे कि ये एग्जांपल है, मैं बहुत बोर हो रही हूँ, तो अभी मैं टोन चेंज करके मैं बताऊँगी. अभी मैं सबसे पहले बोलूँगी मैं एम्फसाइज करूँगी, मैं बहुत बोर हो रही हूँ, ये हो गया मैं पे, मैंने इसे स्ट्रेस किया. तो ये एक टोन है. अब मैं बोल रही हूँ मैं बहुत बोर हो रही हूँ, ये दूसरा तरीका है टोन चेंज करने का. अब
ये हो गया, मैं बहुत हो गया, मैं बोर पे बोलते हैं, मैं बहुत बोर हो रही हूँ, मैं बहुत बोर हो रही हूँ, ये मैंने वापस चेंज कर दिया, मैंने टोन को स्ट्रेस कर मैंने बोर पे स्ट्रेस कर दिया, तो इसकी टोन चेंज हो गई और इसका मीनिंग थोड़ा डिफरेंट हो गया. मैं बहुत बोर हो रही हूँ, वो बहुत बोर हो रही है, ठीक है, तो मैं बहुत बोर हो रही हूँ. अब हो पे करते हैं, मैं बहुत बोर हो रही हूँ, मैं बहुत बोर हो रही हूँ, मतलब कि वो हो रही है बोर. तो हो पे जब चेंज किया तो वो मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो गया, हमें सुनने में थोड़ा सा लग रहा है कि वो बहुत बोर हो रही है. तो अब करते हैं रही पे, मैं बहुत बोर हो रही हूँ, मैं बहुत बोर हो रही हूँ, मैं बहुत बोर हो रही हूँ, मैं बहुत बोर हो रही हूँ. तो अब रही पे किया तो ये रही वाला टोन हो गया. अब है पे करते हैं, उतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं लगेगा, उतना ज़्यादा मतलब ट्रांसफॉर्म नहीं लगेगा. मैं बहुत बोर हो रही हूँ, मैं बहुत बोर हो रही हूँ, मैं बहुत बोर हो रही हूँ, मैंने हो पे स्ट्रेस किया है तो ये उतना ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं दिख रहा है, मीनिंगफुल नहीं साउंड कर रहा है. रही पे भी जब मैंने किया था तो उतना ज़्यादा मीनिंगफुल साउंड नहीं कर रहा था, और मैंने जब हो पे भी किया, मैं बहुत बोर हो रही हूँ हो पे, तो भी उतना मीनिंगफुल साउंड नहीं किया. तो यहाँ पे बेसिकली तीन वर्ड्स थे, मैं बहुत बोर, ये तीनों पे जब मैंने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से स्ट्रेस किया, टोन चेंज हुआ तो ज़्यादा मीनिंगफुल लगा. तो आपको अपने सेंटेंस में डिसाइड करना है कि आप किस चीज़ पे ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहते हैं, किस पे आपका टोन थोड़ा चेंज होना चाहिए ताकि आपका जो मैसेज है वो अच्छी तरह से कन्वे हो पाए. तो अब बात करते हैं पॉजेस की. पॉजेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, अगर हम पॉजेस नहीं देंगे ना तो सेंटेंस का मीनिंग ही बदल जाएगा. कॉमा में हमें एक थोड़ी देर के लिए स्लाइट पॉज देना चाहिए, स्टॉप के बाद हमें थोड़े ज़्यादा देर के लिए पॉज देना चाहिए, तो उससे हमें पता चलता है कि सेंटेंस ख़त्म हो रहा है या फिर उस कॉमा के बाद मतलब वापस कुछ एक डिफरेंट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, जिससे हमें पता चलता है डिफरेंट मीनिंग होगा उसका. तो एक एग्जांपल लेते हैं और उसे समझाते हैं कि पॉजेज का क्या इम्पोर्टेंस है. तो मैं एक एग्जांपल देने जा रही हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि पॉजेज का कितना इम्पोर्टेंस होता है, और इसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि टोन चेंज करने से कैसे मीनिंग चेंज हो जाता है, और पिच हमें ड्रॉप करना चाहिए, कब हमें हाई पिच में जाना चाहिए, और वॉल्यूम भी कैसे एडजस्ट करना चाहिए. और स्पेशली पिच का बता दूँ, स्टॉप से पहले हमें पिच थोड़ा सा डाउन करना होता है, ड्रॉप करना होता है, लो पिच जाना पड़ता है, इससे पता चलता है कि सेंटेंस एंड हो रही है और मीनिंग उसका अच्छे से निकल के आता है. और टोन हमें वर्ड के हिसाब से चेंज करना पड़ता है, टोन इन्फ्लेक्ट करना पड़ता है बेसिकली, तो उससे मीनिंग अच्छे से आ जाती है, हमें क्लियर हो जाता है कि क्या बोलना चाह रहा है वो इंसान. तो मेरे पास एक एग्जाम्पल है, मैं उसको यूज़ करके आपको एक्सप्लेन करूँगी. I felt my voice was not so powerful and worth it, but when I realized it has got so much potential, then I started unleashing it. Now, मैंने यहाँ पे एकदम rush किया है, और मैंने यहाँ पे comma भी नहीं डाला है, ना ही कोई pause था, ना ही कोई tone था, और pitch भी मैंने कुछ भी change नहीं किया. फिर से बोलती हूँ, एकदम plain. I felt my voice was not so powerful and worth it, but when I realized that it has got so much potential, then I started unleashing it. मैंने थोड़ा सा डाला था लेकिन मैंने नहीं डाला है, पॉजेज तो मैंने डाला ही नहीं है, टोन हल्का सा चेंज हुआ होगा लेकिन बिल्कुल भी मैंने पिच चेंज नहीं किया है. अब मैं इसमें पिच भी चेंज करूँगी, टोन भी डालूँगी और पॉजेज भी डालूँगी, और वॉल्यूम तो एडजस्ट हो जाएगा अपने आप. तो ये एग्जाम्पल को अब मैं जा रही हूँ इसको इंटोनेट करने, इन्फ्लेक्ट करने, ताकि अच्छी तरह से ये टोन इसका चेंज हो पाए. उसमें पिच दूंगी डिफरेंट डिफरेंट, और उसमें पॉजेस दूंगी, और वॉल्यूम अपने आप एडजस्ट करूंगी. तो एग्जांपल था, आई फेल्ट माय वॉइस वाज नॉट सो पावरफुल एंड वर्थ इट, बट व्हेन आई रियलाइज दैट इट हैज़ गॉट सो मच पोटेंशियल, देन आई स्टार्टेड अनलीशिंग इट. ये सेंटेंस है, चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं. तो इसको ये एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि कैसे इन्फ्लेक्ट करना है, कैसे पिच ड्रॉप करना है, हाई करना है और पॉजेस देना है. तो मैं बोलने जा रही हूँ, मैं इसमें सब कुछ ऐड कर रही हूँ, मैं इसमें इन्फ्लेक्शन भी ऐड कर रही हूँ यानी कि पिच भी ऐड कर रही हूँ, इंटोनेशन भी ऐड कर रही हूँ यानी कि टोन भी चेंज कर रही हूँ, और मैं इसमें पॉजेस भी दे रही हूँ, वॉल्यूम भी एडजस्ट कर रही हूँ. आई फेल्ट माई वॉइस वॉज नॉट सो पावरफुल एंड वर्थ इट, बट when I realized that it has got so much potential, then I started unleashing it.
मैंने यहाँ पे जो भी मुझे लगा जो जहाँ पे मुझे वो जिस वर्ड को स्ट्रेस करना है जहाँ पे मैंने टोन चेंज करना है उसको मैंने अंडरलाइन कर लिया है. तो मैंने यहाँ पे किया है आई फेल्ट माई वॉइस. आई फेल्ट मतलब कि फेल्ट पे मैंने स्ट्रेस किया है. आई फेल्ट माई वॉइस वॉज नॉट सो पावरफुल. यहाँ पे सो पे भी मैंने चेंज किया थोड़ा टोन. एंड वर्थ इट बट के बाद मैंने थोड़ा पॉज दिया. बट when I realized pe maine change kiya that it has got so much potential, then I started unleashing it pe maine drop kar diya pitch. maine potential aur then ke baad bhi maine pitch thoda sa adjust kiya. so it should be like I felt my voice was not so powerful and worth it, but when I realized that it has got so much potential, then I started unleashing it. to yahan pe maine aapko पिच भी चेंज करके दिखाया है. जहाँ पे जैसे ड्रॉप करना है फुल स्टॉप के पहले या कॉमा के पहले, तो मैंने पिच ड्रॉप किया. और जो जो मेरे वर्ड्स को टोन चेंज करना है उसको मैंने स्ट्रेस कर दिया है, उसको मैंने अंडरलाइन कर लिया है और स्ट्रेस किया. मैंने यहाँ पे फेल्ट पे टोन चेंज किया, सो पे चेंज किया, रियलाइज पे चेंज किया, एंड देन अगेन सो पे किया और अनलीशिंग पे किया. तो इस तरह से होता है. और देन के बाद मैंने पॉज दिया और मैंने बट के बाद भी पॉज दिया. तो इस तरह से पॉजेज आप दे सकते हैं और स्ट्रेस कर सकते हैं. आप अंडरलाइन कर लीजिए जिसमें आपको स्ट्रेस करना है, टोन चेंज करनी है, और पिच कैसे ड्रॉप करना है, हाई करना है या लो करना है, वो भी मैंने आपको बता दिया इस एग्जांपल से. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, इसमें मैंने आपको बताया वॉइस मॉड्यूलेशन के बारे में, पिच वॉल्यूम एंड टोन एंड वॉल्यूम एंड पॉजेस के बारे में, पिच वॉल्यूम टोन एंड पॉजेस के बारे में. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल सहेली टीवी. फिर मिलेंगे कुछ और नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए टाटा.